ताकि फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल पर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिक्स मेडिकल अलाउंस लेटेस्ट न्यूज के बारे में डी पी एंड पीडब्ल्यू ने एक ऑर्डर जारी किया है लेटेस्ट ऑर्डर क्या डिफेंस पेंशनर और फैमिली पेंशनर्स को एफ एम ए रुपीज वन थाउजेंड से बढ़कर रुपीज थ्री थाउजेंड मिलेगा ये वो लेटर है जो मेरे स्क्रीन पे लेफ्ट साइड में लगा है सोलह फरवरी का लेटर है मैं इस लेटर को अभी आपको दिखाऊंगा और एफ एम की क्या है सच्चाई ये इस वीडियो में हम जानने वाले हैं दोस्तों ये लेटर है अट्ठाइस फरवरी का ये लेटर है ये जो लेटर है दोस्तों ये लेटर है अट्ठाईस फरवरी का जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा सब्जेक्ट है रिगार्डिंग एनहेंसमेंट ऑफ फिक्स मेडिकल अलाउंसेस सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स Family pensioners who are residing in areas not covered under CZHS recommendation of Department Related Paramilitary Standing Committee, DRPSC. ये तो एक लेटर है जो 28 फरवरी को निकाला गया है और इस लेटर में 16 फरवरी के लेटर का रेफरेंस कोट किया है पैरा नंबर टू पैरा नंबर वन में आप देख सकते हैं द अंडरस्टैंड इज डायरेक्टेड टू फॉरवर्ड ए कॉपी ऑफ ऑफिस मेमोरेंडम डेटेड 16 फरवरी 2022 ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक रिलेशन एंड पेंशन डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर ऑन द सब्जेक्ट मैं फर्दर नेसेसरी एक्शन एट योर एंड मोस्ट इमीडिएट है यानी कि ज़ाहिर है जहाँ मोस्ट इमीडिएट लिख लिया वहाँ आपको समझ जाना चाहिए कि ये ऑन ग्राउंड एम्पलीमेंटेशन के लिए मोस्ट इमीडिएट कभी नहीं लिखती गवर्नमेंट ये ऑफिस टू ऑफिस मोस्ट इमीडिएट है यूँ समझो आप कि ऑफिस में से किसी ऑफिस को ये ऑर्डर दिया गया है कोई काम करने का तो उसके लिए ये मोस्ट इमीडिएट लिखा गया है पेंशनर्स के खाते में पेंशन पेंशन मोस्ट इमीडिएट भेजी जाए ऐसा कभी नहीं लिखेगी गवर्नमेंट आपको ये जानना चाहिए ये सच्चाई है अब ये वो लेटर है जिसका कि पूरी तरह से मीडिया पर बवाल मचा हुआ है कि भाई मैंने भी एक वीडियो के रिगार्डिंग डाला कि एक हज़ार से बढ़कर अब तीन हज़ार मिलेगा लेकिन रियलिटी वो नहीं है मैं जानना चाहता था मेरे व्यूवर्स का कमेंट उनमें से मेरे पास कुछ व्यूअर्स ने कमेंट किए कि सर सच्चाई ये नहीं है चलो अब मैं अगेन इसको इसलिए बना रहा हूँ कि आपको इसकी सच्चाई अवगत करा सकूँ ये लेटर आप देख सकते हैं सोलह फरवरी का लेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पीजी एंड पेंशनर डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर के द्वारा निकाला गया ऑफिस मेमोरेंडम है सब्जेक्ट है एनहेंसमेंट ऑफ फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस टू तो सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स फैमिली पेंशनर्स हुईडिंग इन एरियाज नॉट कवर्ड अंडर सी आप समझ सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के दायरे में कोई ऐसा इलाका जहां बंदा रह रहा है और वो कवर नहीं हो पा रहा है उनको एफ एम ए दिया जाता है उस एफ एम ए के रिगार्डिंग इसमें ये चिट्ठी निकाली गई है पैरा नंबर वन देख लेते हैं द अंडर साइन इज डायरेक्टेड टू रेफर टू द सब्जेक्ट सटेड अब एंड से दैट डिपार्टमेंट रिलेटेड पैरामिलिट्री स्टैंडिंग कमेटी फॉर पर्सनल आर पब्लिक अवस एंड लॉ एंड जस्टिस एंड इट्स रिपोर्ट हैज मेड रिकमेंडेशन फॉर एनहेंसमेंट ऑफ फिक्स मेडिकल फ्रॉम 1000 टू 3000 यानी कि यह कहा गया है कि एक सौ दसवीं जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के मुताबिक उस रिपोर्ट में रिकमेंडेशन दी गई हैं कि भैया एफ एम ए से 3000 कर दिया जाए पैर नंबर वन क्लियर बोलता है पार्लियामेंट्री कमेटी रिपोर्ट वन की रेफरेंस दिया है और उसमें कहा गया है रिकमेंडेशन दी गई हैं कि भाई एफ एम एक हजार से तीन हजार कर दिया जाना चाहिए लेकिन पैरा टू क्या बोलता है दोस्तों वो भी आपको देखना चाहिए पैरा टू कहता है इन व्यू ऑफ द इन व्यू ऑफ द एबोव रिकमेंडेशन मेड बाई डी आर पी एस सी इट इज रिक्वेस्टेड टू द इंफॉर्मेशन एज टू हाउ मैनी सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल पेंशनर्स फैमिली पेंशनर्स आर गेटिंग फिक्स मेडिकल अलाउंसेस दिस may बी ट्रीटेड एज मोस्ट इमीडिएट देर फोर उस लेटर में मोस्ट इमीडिएट लिखा गया था जो कि 28 का निकाला है 28 फरवरी को निकाला है और ये 16 फरवरी का यानी कि 16 फरवरी के लेटर के ऊपर एक और अच्छा एक्शन लेने के लिए मोस्ट इमीडिएट करके एक लेटर निकाला है पैरा नंबर टू में यह बताया गया है कि इस पत्र का ये मतलब नहीं है कि आपका एफ एम से तीन कर दिया जाए या कर देना चाहिए ऐसा कतई नहीं है दोस्तों यहाँ पर एक रिपोर्ट मांगी गई है डीआरपीएससी की तरफ से ये रिपोर्ट सिर्फ सिविलियन डिपार्टमेंट सिविलियंस जो डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं या सिविलियन डिपार्टमेंट से मांगी गई है उनके पेंशनर्स तथा फैमिली पेंशन के रिगार्डिंग इस रिपोर्ट में मा, मा मांगा गया है कि कितने ऐसे पेंशनर्स हैं जो एफ ले रहे हैं यानी कि सिविलियल सिविल एम्प्लॉयज़ कितने हैं इस रिपोर्ट के डेटा गैदरिंग के बाद डी एक बजट प्रोजेक्शन करेगी कि कितना पैसा 1000 से 3000 हजार FMA करने में लगेगा गवर्नमेंट पर कितना पैसे का उस पर लोड आएगा ऐसा एक बजट प्रोजेक्शन किया जाएगा तब जाके ये तय किया जाएगा कि इनका ये सिविल एम्प्लॉयज़ जो सिविलियन एम्प्लॉयज़ हैं उनका एफ एम एक हजार से तीन हजार किया जाए या नहीं किया जाए ये बाद की बात है तो दोस्तों ये पत्र डिफेंस पर्सनल के लिए तो कतई नहीं है पैर नंबर थ्री देख सकते हैं दिस इशूज विद द अप्रूवल ऑफ कम्पटेंट ऑथरिटी कम्पटेंट ऑथोरिटी द्वारा ये जो है इश्यूज क्या है अप्रूव किए गए हैं आप देख सकते हैं तो दोस्तों ये थी एक सटीक इंफॉर्मेशन जो आपको जानना चाहिए थी लेटर्स की कॉपी के लिए आप मुझे अपने मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं दैट्स ऑल फॉर इन दिस वीडियो जेहन फॉर नेक्स्ट